ये हुआ है तुम्हारे भैया के साथ। इश्क हंसाता है, इश्क रुलाता है, इंसान के साथ वही डिजर्व करता है। क्या बिगाड़ा है बताओ ना, किस मुंह से बताओ। ये इंसान का क्या गलती है ना, वो यहाँ लगते हैं फिर वो इंसान नहीं रहता। ताने सुन के अपने पति को, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के घर में आती है ताने सुनने के लिए आती है क्या? ये क्या है भाभी, ये ये क्या पागल हो गई हो भाभी यार, प्लीज यार ऐसा। ये है तुम्हारा भैया, तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम राजेश है, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किए थे। भैया आप तो इंस्टाग्राम पे कुछ बताया नहीं कि हमको कुछ पता लग पाए कि आपके साथ हुआ क्या है, लेकिन जो भी बात है, इतना ठंड में अगर आप इतना दूर से चल के आए हैं हमारे पास, तो जो भी बात है ना एक बार यहाँ पे कैमरे के सामने आप रखिए कि आपके साथ हुआ क्या है, बताइए एक बार ऑन कैमरा बताइए। भाई मेरा नाम राजेश है, ठीक है, और मेरा भाई जो है बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है, वो तीर्थ यात्रा पर गया था वैष्णो देवी दर्शन करने मैया के, वो आने वाला था और फिर वो राम मंदिर भी जाने वाला था। वो बोल रहा था कि मेरे को बहुत मन है राम मंदिर भी जाने का 22 तारीख को, उसका प्लान तो भी था। उनके साथ में कोई और था कि वो अकेले थे? मेरी भाभी भी संग थी उनके। तो आपके भैया भाभी बने, दोनों आदमी गए थे तीर्थ यात्रा पर, वैष्णो देवी गए थे और वहाँ से उनका प्लान था कि राम मंदिर भी जाना है। हाँ। तो क्या हुआ बीच में, क्या हुआ बीच में? ये हुआ, उनका कॉल भी नहीं लग रहा था, मैंने भाभी पर भी कॉल किया, वो मेरे पे चिल्लाती थी, बहुत गालियाँ देती थी कि तुम क्यों कॉल कर रहे हो, जो है जैसा भी हम हैं, और बता नहीं रही है भैया के बारे में कि क्या क्या है कैसे, कुछ तो पता पड़े कि मेरे भैया है कैसे। मैं उनसे बात करना चाहता था, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है, पापा ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, उनका एक्सीडेंट भी हो रखा है। पापा का? हाँ। तो पापा ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, लेकिन लग गई है उनके पैर में, वो कहीं चलने फिरने लायक भी नहीं है। तो मैंने आपके भैया भाभी दोनों आदमी गए थे तीर्थ यात्रा पे ना? हाँ। अब भैया के बाद भैया फोन उन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। अब भाभी से पूछ रहे हो कि भैया कहाँ है, तो गाली गलौज से बात कर रहे हैं, वो कुछ बता ही नहीं रही है भैया के बारे में। कोई उनको गुस्सा आया होगा, कुछ हो गया हो हादसा उनके साथ, कुछ भी तो हो सकता है ना, भगवान करे ऐसा ना हो। कितने दिन पहले वो लोग निकला था लोग तीर्थ यात्रा? दो दिन हो गए भैया, दो तीन दिन हो गए हैं, और अभी तक कुछ बात भी नहीं हुई है, कम से कम पता तो पड़े वो है कैसे, कुछ तो उनके हालचाल पूछे, उनके बारे में कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है। भैया प्लीज़ यार, अब मेरी हेल्प करो, आप और लोगों की भी हेल्प करते हो, मेरी भी हेल्प करो। इसमें क्या मदद करेंगे भैया, हम उनको ढूंढ ही ना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर उनका कोई फोटो है तो फोटो दीजिए, हम इस वीडियो क्लिप में उनको लगा देंगे और चलाएंगे हम। भाभी से बातचीत होता है कि नहीं? होता है, लेकिन वो ढंग से कुछ बोलती नहीं है, नहीं बताती कुछ भैया, तो मैं परेशान हूँ कि क्या हुआ है मेरे भैया को, क्या कैसे है, क्या क्या नहीं है, कुछ तो पता। दोनों आदमी साथ में ही गया था लोग? हाँ दोनों। अब भाभी फोन उठा रही है, भैया फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं, उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। ये क्या हुआ यार, आपके भैया और भाभी में पहले झगड़ा वगड़ा होता था का? ऐसे तो भैया घर में होते ही है झगड़े, ऐसी कोई वो नहीं है, घर में तो चार बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं और लड़ाई तो होती है। आपके भाभी कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं था ना? भैया ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन हो तो ऐसा मुझे कभी पता, वैसे मेरी भाभी बहुत अच्छी है। शादी कैसे हुआ था आपके भैया, और हम जानना चाहते हैं कि आप उनके भी तो पति गुम हुए हैं ना, तो वो इंसान आपसे गाली गलौज से बात क्यों करता है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। आपके भाभी का, आपके भाई का जो शादी हुआ था वो लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? ऐसा था कि मेरे पापा थे ना। आराम से बताइए, आराम से, हड़बड़ाना नहीं, पूरा क्लियर कीजिए, क्योंकि हमको पता लग पाए कि जिसके पति गुम हुए हैं, जिसके पति का कोई आता पता, रो मत भैया, जिनके पति का कोई आता पता नहीं है, वो लेडीज आपसे जब बात कर रही है तो गाली दे रही है आपको, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है, क्यों वो गाली क्यों दे रही है आप? वही तो समझ में नहीं आ रहा भैया, पहले ये पूरा यहाँ पे डिस्कस कीजिए, पूरा बताइए कि उन दोनों का शादी क्या हुआ था, माने लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था, दोनों आदमी अपने मन मर्जी से शादी किया था कि घर वाले शादी कराए थे? ऐसा था कि मेरे पापा थे, उनके फ्रेंड थे। अच्छा, उनके पापा के? हाँ, उनके पापा जो है
फ्रेंड थे मेरे पापा के। हाँ? तो ऐसे करके उन दोनों की शादी तय हुई। जब दो दोस्त होते तो आपस में बात करते तेरी लड़की है या लड़का है, तो आपस में ऐसे शादी हुई थी, लेकिन अरेंज हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। भैया शुरू में भी बहुत खुशी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, भैया भाभी बहुत अच्छे रहते हैं, ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ। कभी कभार हो जाती है, वो तो आपको भी मालूम है, घर में रहते हैं मियाँ बीवी में होती भी हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाती है, वो तो खैर नॉर्मल बातें हैं। ऐसे हुई थी भैया शादी। एक बात बताइए, तो माने आपके पापा और उनके पापा दोनों में दोस्त थे ना, तो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गया ना। हाँ। तो आपके पापा क्या करते हैं, उनके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है। हाँ, उनके और उनके पापा चाय की दुकान है उनकी। अच्छा। हाँ। उनके पापा के चाय का दुकान है ना। हाँ। तो आपकी भाभी अभी माने दिल्ली में ही है ना, आपके भाई का कोई आता पता नहीं है? भाई का कोई आता पता, भाभी भी ढूंढ रही है उनको? भाभी भी ढूंढ रही है, वो बोल रही थी कि तुम्हारे भैया सही हैं जो भी हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी, ऐसे करके मेरे से बात की, मेरे को कुछ क्लियर बता के नहीं दे रही है, हम क्या करें, कुछ तो बात हो भैया से, परेशान हो गया हूं। दोनों लोग साथ में तीन चार दिन पहले वैष्णो देवी जाता है लोग ना। हाँ। भाभी रिटर्न आ जाती है लेकिन भैया नहीं आ पाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है ना, जिससे भाभी तो वापस आ गई अपने हस्बैंड को उस स्थिति में छोड़ के, लेकिन भैया नहीं आ पाए, तो दाल में कुछ ना कुछ काला है जो कि उनसे बात करने के बाद ही क्लियर होगा। इसी तो एक चीज कीजिए, देखिए हम आपका इसमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनके पास अपने भैया का जो फोटो होगा वो दे दीजिए, हम फोटो भेज देते हैं। और सोशल मीडिया पर जो हमको लोग लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उस सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दोस्त आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम वीर है। इनके भाई का नाम वीर है दोस्तों, और जहाँ भी वो दिखे कृपया आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं तो नंबर डाल लेंगे वीडियो में, आप लोग उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनके भाई को ढूंढने में हम सभी का आप लोग हम लोगों का मदद कीजिए, उनका फोटो डाल देंगे जहाँ भी दिखे हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है, और कहीं भी दिखते हैं आप लोग जरूर बताइएगा फोन करके, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हम लोग रहेंगे, हमारा सारा टीम रहेगा कि आप लोगों की वजह से किसी का मांग का सिंदूर बच गया, किसी माँ का बेटा मिल गया, किसी भाई का भाई मिल गया, किसी बहन का भाई मिल गया, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें हम लोग का सपोर्ट करें। एक बात बताइए, लास्ट टाइम आपके भाभी से जब बात होता तो उस समय भी गाली दे रही थी? हाँ, वो ऐसे ही बात कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, भाभी को भी वो उल्टी सीधी तरीके से मेरे से बात कर रही थी, जवाब भी उल्टा दे रही थी, मैं पूछ रहा था मेरे भैया कहाँ है उनसे बात करा दो, वो हमेशा ये कहती बताऊंगी बताऊंगी, कुछ बताते ही नहीं है मेरे को कुछ क्लियर बिल्कुल। एक काम कीजिएगा, अब आपको अपने भाभी से बात होता है ना, देखिए ये वीडियो तो हम डालेंगे ही सोशल मीडिया पे, आपके भैया का फोटो ला के बकायदे जो लोग जानते हैं वो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, जो दिल से मानते हो जरूर करेंगे, लेकिन इसमें जो इंसान का पति गुम हुआ हो और जो दोनों जब मियाँ बीवी साथ में गया था लोग तीर्थ यात्रा पे, तो भाभी आपकी रिटर्न आ गई ना। हाँ। तो उनसे एक बार बात कीजिए को हुआ क्या था रास्ते में, वो सारा लोगों को भी पता चल जाएगा, प्लस हकीकत भी सामने आ जाएगा। भैया वो कुछ बताते ही नहीं है। देखिए अब कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे ना, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हमें यहाँ पे हम कैमरे लगाए, ठीक है ना? ठीक है। एक बार एक घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे जितना देर वेट करना होगा हम लोग वेट करेंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे ना, मतलब कि एक बार कोशिश कीजिए उनको यहाँ पे बुला के बात करने का, ठीक है? क्या बात करने के बाद कुछ ना कुछ क्लू निकलेगा, क्या दोनों आदमी साथ में गया था लोग तीर्थ यात्रा पे, वैष्णो देवी से उनका प्लान था राम मंदिर जाने का, तो रास्ते के बीच में क्या हुआ था वो तो उनसे बात करने के बाद ना पता लगेगा। एक बार आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने के लिए, और ज़्यादा परेशान मत होइए, उस भगवान पे भरोसा रखिए, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है? ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है भैया, मैं आप उनको उस भगवान पे, अगर आप सही हैं अपने जगह पे तो आपके साथ बिल्कुल सही होगा, अगर आप गलत किए होंगे तो आपके साथ वो भगवान भी गलत करेंगे, वो भगवान भी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक बार आने दीजिए अपने भाभी को, उनसे एक बार बात कीजिए, कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट जरूर निकलेगा, ठीक है? निकलेगा। हाँ, उनको एक बार फोन कर लीजिए, बुलाइए, माइक है, बाकी इसको छुपा के आप रखिएगा, ठीक है? A few moments later. हाँ देवर जी बताइए। क्या भाभी यार, तुम बता ही नहीं रही हो भैया के बारे में कुछ। पहले बैठो। मैं तुमसे इतनी बार पूछ चुका हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तुम बता नहीं रही हो कुछ। क्या भैया, भैया की रट लगा रखी है तुमने। फिर क्या करूं, आपको मालूम है कुछ क्या हुआ है मेरे साथ, इस बात हमारे साथ घर पे क्या हुआ है? इस बात को छोड़ के हम अलग टॉपिक में बात कर सकते हैं। तुम क्या टॉपिक करते थे, अब किस लिए बुलाया? क्या पागल पागल हो गई हो यार,
तुम भाभी थोड़ा सोचा तो करो क्या बोल रही हूँ मैं। हो गया तुम्हारा नाटक। क्या नाटक, ये नाटक लग रहा है। भैया मिल नहीं रहे और आप कुछ बता नहीं रहे हो मुझे। मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। आपको पता भी है घर पे क्या हुआ है? क्या हुआ है? माँ की तबीयत खराब है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं क्या करूं? वो कितने परेशान है भैया को लेकर, आपको कुछ पता भी है? तो होते रहे, मैं क्या करूं उसमें? आप बता ही नहीं रहे हो कि मेरे भैया का आपके साथ गए थे ना वो। तो गए थे, अब मैं क्या बताऊं, जो भगवान की मर्जी होनी होती है वही होता है लाइफ में। अच्छा भगवान की मर्जी, ये कौन सी बात हुई है, ये कौन सी बात हुई आपकी? भैया आपके साथ गए थे? गए थे, आए नहीं है ना। क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता। साथ गए थे और ये पूछ रही हो क्या क्यों नहीं आए? हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, आपके साथ गए थे ना वो? गए थे, आए तो नहीं है ना। तो कहाँ गए, आपको ही तो मालूम होगी आप साथ गए थे। मुझे तो बता कर गए, कहाँ गए? फिर किसको पता होगी? मुझे नहीं पता, मेरे से ऐसे लाउडली बात मत करो यार। भाभी प्लीज बता दो कहाँ। और भैया मिल नहीं रहे, हम कितने परेशान है, इतनी टेंशन है सिर में के क्या बताऊं। मम्मी इतनी परेशान हो रखी है, पापा भी इतने परेशान है, वो ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। ठीक है मैं तुमसे, तुम मुझसे प्यार करते थे ना यार, ये आपको ये प्यार व्यार सूझ रहा है जो हुआ है हमारे साथ वो आपको दिख नहीं रहा है। बात पे मिट्टी डालो ना अब। क्या मिट्टी डालूं, हमारे एक घर का मेंबर गायब है, आपको यही नहीं पता कि आपके तो हस्बैंड गायब है, आपको तो और ज्यादा होना चाहिए। देखो जो भगवान की मर्जी होती है ना उसको। क्या भगवान की मर्जी, ये भी कोई भगवान की मर्जी? आपके साथ गए थे है काम, वो मुझे ये बता दो प्लीज भाभी प्लीज। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? नहीं मालूम। थोड़ी अकल वकल है कि नहीं? नहीं है। कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तमीज से बात करो, समझ में आया? क्या तमीज से बात करूं? तमीज से बात करो तुम। मुझे ये बता दो भैया कहाँ है मेरे बस। अरे मुझे नहीं पता तुम्हारा भैया कहाँ गया, कहाँ कर रहा, कहाँ मर गया, क्या है, मुझे नहीं पता। कुछ सोच, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या मरने बनने की क्या बात कर रही हो भाई। देखो सुनो, जो भगवान की मर्जी होती है ना वही होता है, ठीक है, हम उसे नहीं बदल सकते। ऐसा क्या हुआ है कि भगवान की मर्जी क्या है, ये क्या बोले जा रही हो? सुनोगे तुम क्या हुआ है, सुनना चाहते हो? बताओ ना क्या हुआ है। सुन लोगे? बता दो क्या हुआ है मुझे, क्लियर क्लियर बता दो क्या हो गया। बर्दाश्त कर पाओगे? बताओगे जब ही तो। बताऊं क्या हुआ है तुम्हारे? बताओ ना क्या हुआ है मेरे भैया के साथ। बैठो, ये हुआ है तुम्हारे भैया के साथ। पागल पागल हो गई, ये क्या कर रही हो भाभी? देखो सुनो, मेरे पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो होना होता है वही होता है। मर गया तुम्हारा भैया, नहीं रहा। क्या पागलों की जैसी बात कर रही हो, मर गया मेरा भाई? हाँ मर गया। बिल्कुल बेवकूफ हो गई हो, बोल क्या रही हो, ये सोच रही हो कुछ? सही बोल रही हूँ, सोच समझ कर बोल रही हूँ, ठीक है, पागल नहीं हूँ जो ऐसी बोलूंगी कुछ भी। वो तुम्हारे साथ गए थे, वो ऐसा कैसे हो सकता है? मर गया वो, नहीं है बस, अब बस इतना समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो, नहीं है वो। पहले आप तमीज से बात करो मेरे से। और ये तेरी तमीज, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ भैया के साथ? मर गया कैसे, कैसे ये? बस यहाँ पे बैठ जा, अब मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ गया तू? मर गया तो मर गया। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, माँ का क्या हो रहा, वो क्या ये सुनेंगी तो उनका क्या हो रहा, ऐसी बात कर रही हो? अब क्या हो गया, तुम भैया के पीछे पहले मेरे कमरे में आते थे, तुम क्या करने आते थे? अब करो ना, अब तो तुम्हारे भैया भी नहीं है। तो मैं तुम्हारा देवर था, तुम्हें ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये तो देवर भाभी में चलता रहता है। तुम्हारे लिए चलता रहता होगा, मेरी इज्जत नहीं है क्या? क्या मतलब दहेज, दहेज, दहेज यार, मेरे बाप चाय की दुकान से उसने कैसे कैसे पैसे जोड़ के मेरी शादी की थी। कम मांगा दहेज, क्या आप फालतू की बात कर रही हो? हर बात बताने मिलते हैं, हर बात पे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, कुत्तों जैसी जिंदगी करती मेरी। अच्छा कुत्तों जैसी जिंदगी, इतने अच्छे खासे मेरा भैया तुम्हें अच्छा खासा रख रहा है। जैसा कर्म करोगे ना वैसा भोगोगे तुम। अच्छा हमने कौन से कर्म कर दिए यार? जो अच्छा था वही किया। क्या बोल रही हो, सोच रही हो कुछ, क्या बोल रही हो तुम? समझ के बोल रही हूँ, अब करो ना मेरे साथ। क्या करने आते थे? नहीं मैं क्या करता था तुम्हारे साथ, कब तुम्हारे साथ ऐसा? तुम मेरे कमरे में पीछे क्यों आते थे, क्या करने आते थे? अब करो ना, सामने खड़ी हूँ,
अब तो कोई मैं भाई, अपने भाई के रूम में आता था तो इसमें क्या गलत है? मैं अपने भाई के पास भी, वो मुझे तेरी निगाह बताती तो किस निगाह से और किस, अच्छा मैं गलत था? मैंने तुम्हारे बारे में कभी भाभी गलत सोचा ही नहीं है। क्या फालतू की बात कर रही हो? गलत नजरिए से देखता भी नहीं तू। कब देखा मैंने? देखा, पागल हो गई हो क्या? मेरी जो भावना होती है ना, लड़की जो अंदर से फील करती है, वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है? और तुम्हारे माँ बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पागल हो गई हो? मैंने कब ऐसा, मेरे माँ बाप ने कब ऐसा करा है तुम्हारे साथ? तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे रखते थे? कैसे रखा? मेरी शादी मेरे बाप ने तुम्हें पता है कैसे कैसे की है? चाय की दुकान से शादी की थी और तुम लोगों ने मेरी जिंदगी कुत्तों ऐसी कर दी थी। कब ऐसा करा है? कब ऐसा करा है? तो घर में काम करवाते थे कुत्तों की तरह। मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरी कोई लाइफ नहीं। मेरे पापा ने कितना कुछ सुना दहेज की वजह से। मेरे यार भाभी आते थे ना घर में, आते थे तो उनको पानी भी नहीं पूछा जाता था मेरे माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, तो क्यों झूठ बोल रही हो? क्या देखती नहीं थी मेरे माँ बाप के साथ क्या बर्ताव होता था वहाँ पे? यार माँ बाप को पानी तक नहीं पूछता था कोई, क्यों? सिर्फ ताने मिलते थे उनको, ताने कि ये नहीं दिया। ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है, क्यों क्यों फालतू की बात कर रही हो? सच बोल रही हूँ, सच कड़वाई होता है पर ये सच है। मैंने सहा है, मैं सहती आ रही हूँ। मुझे पता है मुझे कैसा लगता था, अगर लड़की दहेज नहीं देती तो उसे ताने भरी जिंदगी मिलती है बस। तो इसमें मेरे भाई का क्या कसूर था ये बताओ? मेरे भाई का कसूर तुम्हारे भाई का था। मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी। तो फिर पहले ही मना कर देते ना। तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती शादी कराई है मेरे उससे। कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई है, तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है। अगर तुम मर्जी नहीं होती तो शादी हो कैसे जाती? मेरी मर्जी से नहीं हुई शादी। कम मांगा है तुमसे दहेज और ये फालतू की बातें करती हो? कम मेरे मम्मी पापा तुम्हें परेशान करते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे इतना परेशान किया ना, मैं बता नहीं सकती। वो ताने जो होते थे ना, क्यों मैं नहीं रहता था घर है? मुझे नहीं मालूम क्या होता है घर में, क्या नहीं होता है। तुम तो बस मेरे कमरे में आगे पीछे लगे रहते थे, तुम्हें क्या पता मेरे संग क्या होता है क्या नहीं? ये सोच रही हो क्या? बोल रही हो मैं पीछे लगा रहता? सच बोल रही हूँ, ठीक है यहाँ बैठो। यार मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है क्या? तुमसे ज्यादा ना मेरा माइंड खराब हो रहा है, समझ गए? तुम्हें पता है कैसे कैसे मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी, कितने गरीब फैमिली से हूँ मैं। यार भाभी प्लीज बता दो मेरे भैया कहाँ पर है प्लीज। शादी करते ना तो भैया सोचते मेरी बेटी खुश रहेगी, अच्छे से रहेगी, पर तुम्हारे घर वालों ने इतनी कुत्ते जैसी जिंदगी दी ना मुझे, मैं बता भी नहीं सकती। ये फालतू की बात करना छोड़ो भाभी प्लीज, मेरे भैया को बता दो कहाँ है भैया मेरे। तुम्हारा भैया मर गया? सोचा तो करो मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे भैया की, ठीक है? वो नहीं रहा अब इस दुनिया में। और हाँ, मैं रो क्यों रही हूँ, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं अब ना अब काली बन चुकी हूँ। अच्छा अब खुश हो? तुम्हारे सुहाग चला गया, क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? ये तो बोल दो ये झूठ है भाभी। ये झूठ नहीं। अच्छा तुम्हारा भैया, मैं बताऊँ तुम्हारा भैया जिंदा है, देखोगे? दिखाओ कहाँ है मेरा भाई। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या? ये क्या है भाभी? ये क्या पागल हो गई हो भाभी? यार प्लीज यार ऐसा, ये है तुम्हारा भैया। प्लीज भाभी यार ये बोल दो ये झूठ है, ये क्या है? ये सब सच है यार, अब मैं क्या करूं? ये इसके कर्मों की सजा है। सोच रही हो क्या बोल रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मैं इंसान नहीं हूँ। माँ का क्या होगा? पापा लड़कियों को सताते हो ना तुम दहेज के लिए। तुम जैसे खानदान, तुम्हारे जैसा खानदान बहुत सताता है ना दहेज के लिए। अगर तुम्हारी बहन होती और उस बहन के साथ वैसा ही बिहेव होता तुम क्या करते? माँ सुनेंगी तो क्या कैसा रिएक्शन होगा उनका? वो क्या कितनी तबीयत खराब हो जाएगी उनकी? प्लीज भाभी बोल दो ये झूठ है, ये सब झूठ है, बोल दो प्लीज। जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। बहुत तुमने अपने भैया के पीछे मेरे कमरे में आके गलत निगाह रखी थी ना, बहुत बहुत मजे लिए तुमने अपने, तुम्हारी फैमिली ने बहुत मुझे, मेरे को नौकरानी जैसा काम करवा, बहुत ताने मारे तुम्हारे खानदान वालों ने मेरे को। मेरे माँ बाप को कितने ताने सुनने पड़े हैं, मेरे माँ बाप को पानी भी नहीं पूछता उस घर में कोई। ये क्या कर दिया भाभी आपने? तुम्हारे
तुम्हारे फैमिली वाले जब मेरे घर में आते थे ना तो इज्जत से रखते थे उनको, और जब मेरे घर का कोई आता था ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा ताने भर भर के देते थे उनको। दहेज चाहिए होता है ना तुम लोगों को, पैसा चाहिए होता है ना, लड़की अपना घर छोड़ के आती है वो काफी नहीं होता क्या? इतना ट्रस्ट था मम्मी पापा को तुम पर, ऐसा मालूम होती तो तुम्हारे साथ नहीं भेजते। ये अपना इमोशनली ड्रामा ना मेरे सामने मत करो ठीक है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे किसी के आंसू नहीं दिखाई देते, अब मुझे नहीं दिख रहा किसी के भी आंसू। जितने आंसू थे ना इतने टाइम तक मैंने बहा लिए, अब और नहीं बहाने। ये सब क्या हो गया? जो हुआ अच्छा हुआ। माँ की क्या हालत होगी ये सब सुन के? रानी को भी यही मंजूर था। हे भगवान। देखो सुनो, ये तुम्हारा ड्रामा हो गया हो ना तो अपना ये ड्रामा कर। ये आपको ड्रामा लग रहा है? अब भी ये आपको ड्रामा लग रहा है? सुनो, जो होना होता है ना, जिसकी लाइफ में जो लिखा होता है वही होता है ठीक है। अगर आपको साथ नहीं रहना था भैया के तो पहले ही मना कर देते। मैं क्या करती तुम्हारे फैमिली वालों ने? ये सब क्या कर दिया आपने? जबरदस्ती शादी करवाई थी मेरी, नहीं करना चाहती थी शादी में, और शादी भी इसलिए की ताकि ताने दे सको उन लोगों को दहेज के लिए। क्या फालतू की बात कर रहे हो, कब आपको ताने दिए भैया ने? लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के घर में आती है ताने सुनने के लिए आती है, नौकरानी बनने के लिए आती है। थोड़ा तो सोचा होता। कभी प्यार से ये नहीं बोला बेटा तूने ये कहा बेटा तुझे ये चाहिए ये चाहिए, कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं पूछा मुझसे, तो मना कर देते ना मुझे नहीं रहना, मेरे आज भैया का ये हाल तो नहीं होता। क्या मना कर देती शादी के बाद में, क्या मना कर देती? ए, चुप, इतना बोलती है तू? दहेज, दहेज के कारण अपने पति को खुद अपने हाथों से मार दी। देखो भाई यार क्या कर दिया, माँ की क्या हालत होगी ये सब सुन के। कोई बात नहीं है, उस घर में तुमको लोग गाली देता था, तुम्हारे ऊपर ताने मारता था लोग, उसके वजह से अपने पति को खुद मार देगी तू? कोई पत्नी धर्म होता है? किस घर में झगड़ा नहीं होता है? दो भाइयों में जब झगड़ा हो सकता है तब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं सुहाग अपने हाथों से मिटा दो। ये जो आज रो रहा है ना ये इंसान खुद अपने भैया के पीछे मेरे पे गलत निगाह रखता था। भाई ये गलत बोल रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। सुनो मान लो ये तो गलत निगाह रखता था, तुम अभी क्या बोल रही थी कुछ देर पहले? सारा बात तुम्हारा नाम सुने कि मेरा जो साथी है नाम जबरदस्ती हुआ है, मेरे मर्जी से नहीं हुआ, नहीं हुई थी। तो तुम किससे प्यार करती हो? मैं किसी से प्यार नहीं करती। बस नहीं करती हो, झूठ बोल। शादी जब जबरदस्ती हुआ था, अपने पति को अपने हाथों से मारी हो, अपने हाथों से उसके अस्थियों के साथ तुम खेल रही हो। मैं क्या करूं, मुझे मुझे ऐसा बना दिया गया है। अस्थि को जाकर गंगा जी में विसर्जन करने गए थे, तुम लात के नीचे इसको रखी हो। इंसान नहीं रही हूं ना इसलिए। क्या बन रही हो? फैमिली वालों ने ना मुझे मुझे ऐसा बना दिया है, मैं क्या करूं? एक से एक वो यहां लगते हैं फिर वो इंसान नहीं रहता। ए ताने सुन के अपने पति को अपने हाथों से मार दोगी, ये कौन सा न्याय है? जो मेरे साथ हुआ था, ताना मिलता था तो उनको तलाक देके के अपने दूर रह जाती ना। तलाक क्या? किसी को किसी का जान लेना, किसी का जान मारना एक गलत बात होती है ना। क्या कर दी तू? देखो भाई पागल हो गई है क्या तू? माँ पापा को क्या बताऊंगा? इस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ ना? किस मुंह से बताऊंगा? ये इंसान का क्या गलती है तुमसे पूछ रहा है ना? अगर नहीं रहना था साथ तो पहले ही मना कर देते। मेरे भाई की ये हालत की वजह से अपने सुहाग को अपने हाथों से मार दी तू। एक झगड़ा, सिर्फ एक दिन का झगड़ा, तलाक दे देती ना, तलाक दे देती, तलाक। जब अपने माँ बाप की बेइज्जती अपने सामने देखी है ना तो वो झगड़ा झगड़ा नहीं रहा। तू प्यार नहीं करती है किसी से? कि किसी से तू प्यार कर दे, प्यार के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का जान ले ली तू ना?
नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं, यही बात है ना, तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे बॉयफ्रेंड है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसलिए अपने पति को तुमने हाथों से मार दी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर जो मेरे संग बिहेव हुआ है ना वो। एक बात बता सिस्टर, उस बिहेव से झगड़े के कारण अपने पति को। अगर ये बिहेव इसकी बहन के साथ होता तो ये लोग क्या करते? देखो तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत है, दहेज लेना। दहेज माँ बाप जब घर आते थे ना तो उनको पानी की जगह ताने दिए जाते थे मेरे सामने। कुछ नहीं बोल सकती थी मैं उनसे, क्या बोलती? उन्होंने चाय की दुकान से मेरी शादी की है, कैसे कैसे कमा के उन्होंने मेरी शादी की थी, कितना पैसा लगाया उन्होंने शादी में मेरी। खाने तक को खाना नहीं होता था हमारे घर में, फिर भी उन्होंने मेरी शादी अच्छी करी, फिर भी इसके घर वाले डेली 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 ताने, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे हम सब बात मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है डेली, बस कभी ये इसका मतलब यही होता है कि एक बात बता, एक औरत का सबसे बड़ा सिंगार क्या होता है? उसका सिंदूर, उसका मंगलसूत्र, जो कि सब चीज अपने हाथों से तुम मिटा दी। आज तक कभी नहीं सुने थे कि एक पति का हत्या एक पत्नी अपने हाथों से कर दी। तू तो गई थी वैष्णो देवी ना, वैष्णो देवी के बाद राम मंदिर जाने वाली थी ना तू, तो क्योंकि वो तुम्हारे पति ना थे यार, कोई दुश्मन नहीं ना थे। पति होते तो मेरा साथ देते, मेरे माँ बाप की इज्जत करते जैसे मैं करती थी। कब साथ नहीं दिया भैया ने आपका? अगर सुनो सुनो, अगर वो साथ नहीं देते तो तुमको अपने साथ में तीर्थ यात्रा कराने ले जाते। इतना किस घर में झगड़ा नहीं होता है यार? इतना झगड़ा के कारण तुमने पति को जान से मार दोगी। सिर्फ झगड़ा ही तो नहीं होता था ना, मेरे घर वालों की भी तो बेइज्जती होती थी। कुछ भी होता था तुमको मार, तुमको जान से तो नहीं मारता था कोई। क्यों नहीं मारते थे? किसने कहा नहीं मारते थे? क्यों किसने कहा नहीं मारते थे? मैंने तुमने सही किया, तुमको इसका पछतावा नहीं है? मुझे नहीं है। तू पागल हो गई है क्या यार? तुमसे पूछ रहा हूं, पागल हो गई हो क्या? मैं क्या करूं, मैं पागल ही हो गई हूं इनके घर वालों के बिहेवियर से। और किसे बोलूं मैं अपनी बात, किसको बताऊं? मेरी शादी भी जबरदस्ती हुई थी। मन तो कर थप्पड़ लगाए तुमको, लेकिन अंदर से नहीं आता है। एक पागल इंसान पर क्या थप्पड़ लगाए यार, जो अपने पति को मार के भी इतना, इसको कोई पछतावा नहीं कि मैंने गलती नहीं किया, मैं तो पुण्य का काम क्यों ना, पापी को उसका सजा मिल गया ना तुम्हारे नजरों में। तुम खुश हो ना कि तुमको दूसरा शादी करना है अब? मुझे कोई दूसरा, बोल दो ना, ये सारा झूठ है, बोल दो ना यार। नहीं, ये झूठ नहीं है। ऐसी औरत है यार तू, एक तेरे तू क्या करता था यार अपने भौजाई के साथ? कभी भैया मैंने, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, एक माँ के दर्जे से देखना चाहिए था ना। वो झूठ बोल रही थी, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे तो मेरे रूम में आ जाता था, मेरे बेडरूम में आ जाता था। ये कोई देवर का काम होता है? तो दूध का दूला हुआ है तो मेरी सजा मेरे भाई को कर दी। तू पापी इंसान है, पापी। मुझे देनी चाहिए थी ना, मेरे भाई को क्यों दी? नहीं होता, जब पाप का घड़ा ज्यादा भर जाता है ना तो आज नहीं तो कल उसको फटना ही है। वही हुआ, तुम लोगों का गलती तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ा ना। जब घर में लक्ष्मी आती है ना उसके समय से उसके साथ साथ बिघिन भी आती है। ले गया काल, ले गया तुम्हारे भाई को, खोजते रहो अपने भाई को भैया। दहेज 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 दहेज, मरोगे तो ले जाओगे सारा लाद के। उनका अंतिम संस्कार हर चीज तुम कर दियो, तब ना ये राखों को लेके आई हो। उनका डेथ, तुम्हारे हस्बैंड का डेथ कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ कि तुमने उनको कहीं से धक्का दे दिया? तो उनका डेथ कैसे हुआ तुम्हारे हस्बैंड का? मैंने खुद मारा है उन्हें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बोल के कि एक पापी की सजा मैंने अपने हाथों से दी है। तुमको बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा इस काम पे? नहीं हुआ। अपने पति को मार के बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा? वो तो बहुत अच्छा हुआ, वो टैक्सी वाले से मैंने बात की, वो ज्यादा पैसे भी नहीं, 40-50 हजार रुपए दिए।
पहली बार में तो नहीं पर दूसरी बार में मेरी आंखों के सामने उस पापी को सजा मिल गई इसकी कर्मों। तुम्हारे मन नजरों में बिल्कुल सही हुआ ना, तुम्हारा पति एक पापी था ना, तुम्हारे नजरों में ना एक पापी को मुक्ति मिल गया, तुम्हारे नजरों में ना मेरे माँ बाप की नजरों में भी वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे कैमरा में, पूरा दुनिया देखेगा कि तुम्हारे जैसा भी नारी इस दुनिया में अभी है। कैमरा बंद करा देना, बताने में तो शर्म आ नहीं रहा है तुमको ना। पता तो पड़नी चाहिए सारी सच्चाई तुम्हारी, भी तो पता पड़नी चाहिए, तुम कैसे देवर हो। मान लो ये गलत है, ये घटिया है, फैमिली वाले कैसे, तुम्हारी भी तो पता पड़नी चाहिए ना। डालेगा नहीं सोशल मीडिया पे माइक दो, तुम लोग बहुत, तुम्हारे जैसा औरत हम आज तक इस दुनिया में नहीं देखे थे। जो औरत अपने पति को अपने हाथों से उसका कत्ल कराई, टैक्सी वाले को पैसे तक उसका एक्सीडेंट कराई, फिर भी कहने में इसको शर्म नाम का कोई 1% का चीज नहीं है। बिल्कुल अपने लाइफ में खुश हो ना, खुश तुमको कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो जाओ ना यहाँ से, जाओ खुश हो तो जाओ, निकलो अपने पति का 13वीं खुद करो जाके। ए, मर गया तुम्हारा भाई यार, क्यों रो रहा है यहाँ पे बैठ के, और कर भी तुम लोग पचड़े में पैर डालते रहे, सारा चूतिया इंसान हम है, हमको पता नहीं था, मन तो करे थप्पड़ लगा तेरे को, तेरे को शर्म नहीं आया बिल्कुल है, तेरे से पूछ रहा है। नहीं आया, बिल्कुल सही हुआ, सुनसान के साथ वही डिजर्व करता है, यही होना चाहिए ना। मन नहीं कर रहा हाथ उठाने के, लगे क्या करें हम, इस पे भी तो उठाइए। इसने माले तेरे को केवल बदतमीजी से बात किया है, लेकिन तूने उस इंसान को ही खत्म कर दिया। अब लड़की निकल यहाँ से, चल नहीं निकल। क्या बोले थी अभी लड़की, क्या बोले थी? जब लड़की की बात इज्जत पे आती है ना, तो फिर वो ऐसी ही हो जाती है। अच्छा इज्जत पे बात आती है? हाँ। इज्जत पे जब बात आएगी तो अपने पति को भी मार देगी, किसी को भी मार सकती है, चाहे वो सुहाग हो चाहे कुछ भी हो। अभी भी तुमको 1% का भी अफसोस नहीं है ना तुमको अपने लाइफ में? नहीं है, वो भगवान सब देखता है ना। हाँ, आने वाले टाइम में तुमको भी उसी तरह सजा मिलेगा, तुमको तड़पा तड़पा को ईश्वर मारेगा, मारेगा बहुत जल्द। निकाल इधर से, ये उठा राख, अपने भाई का 13वीं जाके कर, उठा।